जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया था कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब हमको पढ़नी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमने देखा हो हमारे घर में अगर हम हमारे फैन को कंटिन्यूस टाइम चलाते रहते हैं तो फैन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी हीट क्या हो रही है, वहाँ पर हीट डिसिपेट हो रही है और हीट जनरेट हो रही है, सॉरी। तो हीट जनरेट हो रही है किसके थ्रू, तो उसके रेजिस्टेंस के थ्रू। तो कंसिडर एक करंट आई, हम मानते हैं कि एक कोई करंट आई है जो फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस की क्या है आर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस वो क्या है वी। लेट टी वी द टाइम ड्यूरिंग विच, और टी जो टाइम है वो क्या है, टाइम है कौन सा टाइम, जब हमने चार्ज क्यू को फ्लो कर रहे हैं थ्रू इट, बर्डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू। हमने पहले पढ़ लिया था कि वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इज वी क्यू। तो डब्ल्यू हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, कि वर्क डन किसी भी चार्ज को, क्यू चार्ज को मूव कराते हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी। द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी, माना कि मैंने जो सोर्स है वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है हमारा, कितना, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या मेरा वी क्यू अपॉन टी, और हम कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टी। तो ये हो गया बी क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी हमने जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो वो होता मेरा आई। तो हम कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई, और चाहो तो हम इस बी की जगह पे क्या कर सकते हैं, आई आर बाई ओम्स लॉ। तो देयरफॉर हम इसको ये भी कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से हम पावर को तीन वे से कर सकते हैं, या तो वी इंटू आई भी कह सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी कह सकते हैं, और वी स्क्वायर अपॉन आर कह सकते हैं। ये कैसे आया, जैसे वी मेरे बाई ओम्स लॉ पता, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। उसके बाद बात करते हैं, और एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाई द सोर्स इन टाइम टी इज पी इंटू टी, और तो एनर्जी कितनी सप्लाई करी, पावर इंटू टाइम टी, तो जो हो जाता मेरा वी इंटू आई इंटू टी। ये इक्वली हम ये भी कह सकते हैं वर्क डन के इक्वली हुआ, क्योंकि बी इंटू आई इंटू टी करोगे तो बी इंटू आई इंटू टी करोगे तो क्या हो जाएगा, वी क्यू, डायरेक्टली वी क्यू आ जाएगा। और वी क्यू इसको भी अगर हम चाहो तो देखो बी आई टी, तो हम ये कह सकते हैं बी इंटू क्यू बाई टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, और ये किसके बराबर होता है, वर्क डन के। तो एनर्जी कितनी है सप्लाइड, कितनी होती है हमारे वर्क डन के इक्वल। दस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन रजिस्टर एज ए हीट, जो एनर्जी है वो रजिस्टर में एज ए हीट डिसिपेट होती है। दस फॉर स्टडी स्टेट करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट एच प्रोड्यूस इन टाइम टी, जो एच प्रोड्यूस होती है वो होती है एच इजिकल टू वी इंटू आई इंटू टी, और जिसको हम कह सकते हैं एच इजिकल टू आई स्क्वायर टी, और कह सकते हैं पी टी। तो ये लॉ है, इसको क्या बोलते हैं, दिस नॉन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये हमारा एक टॉपिक था, और अब ऑलमोस्ट हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल पावर रह गया, उसे हम करते हैं। क्लासेस में डिस्कस कर लिया था पावर क्या है, वर्क डन क्या है, तो उसी चीज़ को हम एक बार दोबारा से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड पावर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो पावर हमारी क्या होता है, बी इंटू आई, जैसे हमने पुराने वीडियोज में पढ़ा था, इसको हमने मैंने बताया था कि भाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो देयर फोर पावर इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, और कह सकते हैं हम आई स्क्वायर आर। और अगर इसमें हम आई की जगह पे वी अपॉन आर पुट कर देते हैं तो देखो पावर इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी, तो देयरफॉर ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर। तो हम इस तरह से इनको कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट है जो पावर, पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। जो वॉट है ये बहुत छोटी यूनिट है, तो जब हमको अगर बड़े स्केल पर काम करते हैं तो हम लेते हैं किलो वॉट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, दस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वॉट आवर। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो क्या होती है, पावर अपॉन टाइम, तो ये उसको हम बोल सकते हैं क्या, वॉट आवर। और 1 kWh को देखो, 1 kW में कितने 1000 W होते हैं, और एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 × 10⁶ W/s और हम बोल सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल्स। तो इस तरह से हमने इस पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है,
इसमें हमने सारे टॉपिक को कवर कर